सांसद रवि किशन जी हमारे साथ हैं। रवि जी, ज्ञान वापी मामले में एएसआई की टीम सर्वे कर रही थी, उसे रोकने के लिए मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और उसे 2 दिनों की राहत मिली है, लेकिन आपको लगता है कि मुस्लिम पक्ष क्यों सर्वे में बाधा डालना चाह रहे हैं? मैं कुछ इस पर टिप्पणी नहीं करूँगा, चूँकि मैं सुबह काशी था, वहीं से आप देख रहे हो मेरे महादेव सर पर चढ़े हुए और अभी सदन से निकला हूं, तो इसकी डिटेलिंग नहीं जानता हूं। लेकिन ये मैं सत्य आपको बता देना चाहता हूं कि महादेव स्वयंभू हैं, वो अपने सत्य को लाएंगे और उसको कोई नहीं रोक सकता। मैं जानता हूं, मैं उच्च न्यायालय का बहुत सम्मान करता हूं, मुझे विश्वास है, लेकिन मुझे महादेव का भी इतना ही सम्मान है, आदर है और रामराज्य है। 500 साल जैसे प्रभु राम के लिए लड़े थे, ये लड़ाई इतनी लंबी नहीं होगी। सत्य आएगा और पता चलेगा कि महादेव के साथ छेड़खानी हुई है, क्या हुआ है, और सारा सत्य उजागर होगा और मेरे महादेव को अपना स्थान मिलेगा, उन पर विधिवत पूजा होगी और वो सारे हिंदू वही चाह रहे हैं कि प्रेम से सारी चीज़ें और बातचीत से भी हो जाए, तो इससे सुंदर कुछ नहीं है। और मैं यही सबसे निवेदन करूंगा कि बड़े प्रेम से हो जाए, क्योंकि नंदी जी वहाँ उसी तरफ मुख करके बैठी हैं जो बड़ी वाली नंदी जी, अगर आप मंदिर गए, मैं सुबह वहीं से आया, तो मुझे पता है अपने महादेव आ जाएंगे। और सारे शिव भक्तों को मैं सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और हर हर महादेव। सत्य कभी छिपता नहीं, जैसे सूर्य छिपता नहीं, सत्य भी नहीं छिपेगा, मेरे महादेव भी नहीं छिपेंगे। एक आखिरी सवाल, क्योंकि इससे पहले जब कोर्ट कमिश्नर का सर्वे हुआ था, सर्वे की टीम अंदर गई, सर्वे की टीम ने ये कहा अपनी रिपोर्ट में कि उनको त्रिशूल के चिन्ह दिखे, स्वास्तिक के चिन्ह दिखे, कमल के चिन्ह दिखे, ये तो सब हिंदू धर्म में ही माने जाते हैं, तो आपको लगता है कि कुछ ऐसा है जिसको छुपाने का प्रयास किया जाए? स्वयंभू हैं महादेव, आएंगे, मेरी बात आपके पास ऑन रिकॉर्ड है, महादेव स्वयं अपने आप को उजागर करेंगे और वो ललाट पे फिर हम लोग सब तिलक करेंगे, यही प्रार्थना है मेरे महादेव से। आइए प्रभु महादेव, आपके आने का समय हो गया, प्रभु राम आ गए हैं, अब आप भी आएंगे। चलिए, कोर्ट में चूंकि मैटर है इसलिए वो कह रहे हैं कि भगवान शिव जो है स्वयं प्रकट होंगे और उनके जो तमाम अनुयायी हैं उस दिन उनका जलाभिषेक करेंगे। फिलहाल मैटर कोर्ट में है, 2 दिनों का रोक लगा हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा टिप्पणी करने से सांसद जो हैं वो बच रहे हैं।